Welcome to the video. My name is Pritpal Singh and I am from Directional Academy. In the last video we have discussed Thales theorem and now we are going to discuss converse of Thales theorem. So let us first see what the statement of this theorem says. If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इस थ्योरम का मतलब है कि यदि अगर कोई लाइन है वो दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड से. ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी. नाउ वी विल सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट. ओके, हमने क्या अज्यूम किया, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ लाइन डी ई डैश विच इज एक्चुअली पैरेलल टू बी सी. हमने ये माना है कि जो डी ई डैश है ये लाइन पैरेलल है बी सी की, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है. सो कंस्ट्रक्शन, नाउ अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन है हमारा डी ई वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी की. अब हमें इसे प्रूफ करना है, डी ई है जो पैरेलल है किसके, बी सी के. तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो ये लाइन है डी ई डैश वो एक्चुअली क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के. Consider DE dash is parallel to BC. जैसा कि देख रहे होंगे आप कि अगर हम ये मान चुके हैं कि जो ये DE dash है इसके पैरेलल है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें Thales theorem अप्लाई करेंगे. Thales theorem अप्लाई करने पर हमें मिलेगा AD upon DB equals to A E dash upon E dash C. So this is our equation number one. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें अभी equation number one मिला है. अब हम इस equation को इस given इसके साथ compare करेंगे. So उसके बाद हमें मिलेगा equation AE upon EC equals to A E dash upon E dash C. This is equation number two. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये consider किया है जो D E dash है वो parallel होगा B C के, लेकिन जो D E है, जो line D E है वो कब parallel होगा B C के, जब ये दोनों point आपस में coincide करेंगे. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें ये equation two मिला है, अब हम इस equation two में one add करेंगे. Adding one to equation second, we get हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन. अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ई सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी इक्वल ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी. जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमें क्या मिला है, ए ई प्लस ई सी. अब आप फिगर देखिए, जो ए ई है और ई सी है वो इक्वल किसके होगा, ये पूरे लाइन के होगा विच इज इक्वल टू ए सी. तो हम इसको ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ई सी. सिमिलरली यहाँ पर जो ए ई डैश है और ई डैश सी है, ए ई डैश है और ई डैश सी है, इसको भी हम ए सी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा ई डैश
सी। हम इसको ए सी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था जो ये पॉइंट है ई डैश और ई, ये दोनों आपस में कॉन्साइड करेंगे, इसलिए हमने इसे ए सी लिखा है। सो दिस ए सी एंड दिस ए सी विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड that the two points E dash and E coincide each other. So we can say that the line DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. So this was our converse of Thales theorem. Now we will discuss one question related to this. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equals to CO upon DO। तो हमें क्या शो करना है, जो ए बी सी डी है वो एक क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमने जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है ए बी और सी और डी, वो दोनों वो चारों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एट द पॉइंट ओ। सो वी कैन राइट गिवन, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, AO upon BO equals to CO upon DO. This is equation number one. Now, अब हम इसका construction part देखेंगे। हम क्या consider कर रहे हैं कि एक imaginary line E और F जो कि parallel है इन दोनों lines के AB और DC के। So, construction is equal to EF, the line is parallel to both AB parallel DC. Now to prove, हमें proof क्या करना है, जो ABCD है ABCD वो क्या है, is a trapezium, ये हमें proof करना है। So let us see its proof. So to prove this, let us first consider this triangle A, D and C. जैसे कि आप देख सकते हैं एक triangle जो है वो है A, D and C. This is our first triangle which we are considering. अब हम इस triangle में क्या करेंगे, Thales theorem apply करेंगे। Thales theorem apply करेंगे तो हमें एक equation मिलेगा which is by applying Thales theorem in triangle ADC we get, क्या मिलेगा हमें, AE upon ED which is equal to AO upon OC. This is our equation number two. Now we are considering another triangle B, C and D. So again we are applying Thales theorem. So we get from triangle B, C, D क्या मिलेगा हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं B O upon O D which is equals to B F upon F C. This is going to be our equation number three. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन है उसको हम एक और वे में लिख सकते हैं, वो होगा ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा इक्वेशन नंबर टू है और इक्वेशन नंबर थ्री है उसको फिर हम इक्वेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ के, तो फिर ये दोनों इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। नाउ वी विल अप्लाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट AB parallel DC.
by converse of Thales theorem. So it fulfills the criteria of trapezium as A, B, C, D is a trapezium. So this was our video related to this topic. So please do like, subscribe to our channel. Thank you so much.